इस COVID-19 को एक मजहब दे दिया। कोई मुल्क इसको मजहब से नहीं जोड़ रहा है, सब कह रहे हैं कि भाई ये मिलकर इसका मुकाबला करना है, मगर ये मीडिया के लोग, इनको शर्म नहीं आती, इतने बेशर्म है ये लोग कि ऐसे वक्त में बजाय लोगों को जोड़ने के हज़्ब रिवायत, हज़्ब आदत और अपनी मुनाफ़क़त और अपनी खुशामद और बल्कि जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है ये लोग। प्रशासन ये बताए कि ये 10-15 हज़ार लोगों को एकत्र होने का अवसर कैसे मिला? आप जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी मैं आपको रोक रही हूँ, आप जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज उसी को लेकर सवाल उठा रहा है। क्या मस्जिद से लोगों को जमा होने के लिए उकसाया गया है? बड़ा सवाल। क्या मुस्लिम नेताओं ने भाषण देकर लोगों को उकसाया और यहाँ भीड़ इकट्ठा की? लोगों की भीड़ के लिए क्या जामा मस्जिद जिम्मेदार? हजारों लोगों को मस्जिद की ओर से इकट्ठा किया गया है। क्या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से या फोन कॉल के जरिए से इस भीड़ को इकट्ठा किया गया? मुंबई की पुलिस सोई क्यों रही? इंटेलिजेंस क्या करती रही? अजय आंध्रा इलाके में भारी तादाद में मजदूर उमड़ आए थे, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। पुलिस लाठियां चला रही है, मजदूर इकट्ठा वहां पर हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद लॉकडाउन टूटे और उसके बाद वो लौट सकें, लेकिन इस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। जो एक मजहब को इससे जोड़ रहे हैं, तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि इसको जो बाज मीडिया के लोग इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं वो काबिले मजम्मत है, कंडेमनेबल है। यकीनन ये हुआ है, इसको रोकना है। कैसे रोकना?